नमस्कार, मैं ज्योति पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का एफटी न्यूज में। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों से। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। हाथरस में मासूम बच्ची के साथ हुई दुराचार की घटना के विरोध में युवा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर आरोपियों को सार्वजनिक रूप से फांसी दिए जाने की मांग की। गुरुवार शाम एकत्रित होकर कैंडल मार्च निकाला, जहां उन्होंने देश की बेटी को अतिशीघ्र न्याय दिलाने की मांग की। ग्राम तालिब नगर के लोगों ने कहा, कुछ दिन पहले चार दरिंदों ने हाथरस की फूल जैसी मासूम बेटी से गैंगरेप कर उसकी जीभ काटी और उसकी रीढ़ की हड्डी तक तोड़ दी। दिल्ली के एक अस्पताल में उसने आखिरी सांस ली। ऐसा कर उन हैवानों ने दरिंदगी की हद पार कर दी। युवा कार्यकर्ताओं ने दो मिनट का मौन धारण कर बेटी मनीषा की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और साथ में यह प्रार्थना की कि इस असीम दुख के समय ईश्वर उसके परिवार को शक्ति दे, ईश्वर उसके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। इस मौके पर ग्राम प्रधान धर्मेंद्र सिंह, वाल्मीकि करण, शुभम राज, सचिन, प्रमोद कुमार, शेर सिंह, रईस अहमद, पूर्व प्रधान सीपी सिंह, अध्यापक धर्मेंद्र राजपूत, नीरज वर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। अब आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। बैनर माइक आगे। मनीषा हम शर्मिंदा है। कैंडल मार्च निकाला, किस उपलक्ष्य में कैंडल मार्च निकाला है? सरकार की तरफ से जो हत्या हुई है हाथरस में, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं शशि कुमार वाल्मीकि, ग्राम तालिम नगर से हूँ। इधर आज गांव तालिम नगर के वाल्मीकि समाज ने आज दिनांक 14 सितंबर 2020 को वाल्मीकि की बेटी मनीषा वाल्मीकि के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के विरोध में बहन मनीषा को न्याय दिलाना है। मैं मीडिया को आज जनता से कहना चाहता हूँ, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एवं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी से अपील करता हूं कि मनीषा बहन के साथ दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मियों को फांसी दिलाई जाए, जिससे कि भविष्य में कोई ऐसा जघन्य अपराध ना कर सके और ना ही कोई दुष्कर्म करने की कोशिश कर सके। और मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करता हूँ कि पूरे देश के वाल्मीकि समाज बेटियाँ पैदा करना बंद कर दें, ताकि बेटी ना हो। वाल्मीकि समाज बेटी पैदा करना बंद करते हैं ताकि बेटी होगी ना, वाल्मीकि समाज की बेटियों पर अत्याचार नहीं होगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। ये वाल्मीकि समाज की बेटी नहीं थी, ये हमारे सर्व समाज की बेटी थी। हम सिर्फ इतना चाहते हैं, हमारी बहन मनीषा को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से यही अपील करता हूँ कि हमारी बहन बेटी सुरक्षित अपने घर से नहीं निकल पा रही है, आए दिन दरिंदगी करते हैं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से सिर्फ यही चाहता हूं कि हमारी बहन बेटियों को इंसाफ मिले और खुले में सांस ले सकें, ऐसा कोई कानून बनाए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। देश में कूट भवन में चल रही है, अभी तक देश में क्राइम पर कोई रोक नहीं लगा है। खासकर दलितों की बात करते हैं, दलितों पर सबसे ज्यादा कूट अत्याचार, जबकि वाल्मीकि समाज हमेशा सपोर्ट करता चलाया है, हमेशा हिंदू की बात करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हमारी केवल एक ही अपील है देश के पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, बाकी मुख्यमंत्री जी से अपील है, बाकी हाथ जोड़ के विनय है, अपील करता हूँ। हिंदुस्तान की बेटी है वो, इसके लिए हमें चारों को फांसी लगनी चाहिए, इसी में हमारी खुशी है और हमारे परिवार को उसको पूरी आर्थिक सहायता सरकारी देनी चाहिए। इसी के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय। कैंडल मार्च निकाला, किस उपलक्ष्य में निकाला है? हमने कैंडल मार्च से निकालने का हमारा मकसद है कि हमारे जो दलित बालिकाओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसकी सरकार रोकथाम करे, हमारा उद्देश्य ये है, और इसकी आगे पुनरावृत्ति न हो। जैसे ये अब कितना बड़ा कांड हुआ है हमारी दलित बेटी के साथ, तो हम ये चाहते हैं, सरकार से ये मांग करते हैं कि इसकी पुनरावृत्ति न हो और इसकी न्यायिक जांच, मतलब कहने का ईमानदारी के साथ होनी चाहिए। जिस तरह से पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा परिजनों को, और जो मनीषा जी की डेथ हुई थी बिना परमिशन के, उनकी डेथ बॉडी को जला दिया, क्या हिंदू समाज में इस तरह की ये सही है? पुलिस ने, प्रशासन ने सही किया है? गलत है ये, तो मतलब बिल्कुल गलत है ये, प्रशासन के हेटलर सही है ये, और दलितों के ऊपर अत्याचार के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। इस टाइप से मतलब हम लोगों पे एक अत्याचार हो रहा है। सर आपका नाम? मेरा नाम रईस अहमद, पूर्व प्रधान, मैं तालिम नगर से।
अलग किस उपलक्ष्य में कैंडी मार्च निकाला है आपने? ये कैंडी मार्च हमारा जो तालमेगा पंचायत में निकाला है, ये हमारे की बेटी मनीषा जो एक हमारी एक हमारी वाल्मीकि समाज की बेटी नहीं रही है, हमारे अंतर्राष्ट्रीय और हमारे इंडिया की बेटी है। हमारी इंडिया में जितनी बेटियाँ हैं रियली में वो बिल्कुल एक शांति माहौल में घूमनी चाहिए, फ्री माहौल मिलना चाहिए, लेटर घूमनी चाहिए, ऐसा माहौल चाहिए। मैं योगी आदित्यनाथ सरकार से निवेदन करता हूँ, ऐसे दरिंदों को जिन्होंने हमारी बहन बेटी के साथ जितना जितना जघन्य अपराध किया है, उनको एक ही चीज़ समझनी चाहिए, सिर्फ सजाए मौत, सजाए फांसी। और मैं चाहता हूँ कि दुखी परिवार को जितनी हो सके आर्थिक सहायता, सरकारी नौकरी वो आप जी। वो हिंदू संस्कृति की बात करते हैं, मध्य रात्रि 2 बजे किसी स्त्री को बिना परिजन की अनुपस्थिति में उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है, तब उनको हिंदू संस्कृति याद नहीं आती, तब वो क्यों चुप हो जाते हैं? वो किसी गैंगस्टर का तो 20 सड़क पे तार पलटवा सकते हैं, लेकिन जब ये दुष्कर्मी बलात्कार करते हैं तो इनको ऑन द स्पॉट क्यों नहीं खत्म कर सकते? ये उनसे ज्यादा बड़े हो गए क्या? सबसे बड़ा जुर्म